एक्सरसाइज 5.8 आज हम पूरे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्सरसाइज 5.8 को सॉल्व करने से पहले जो हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके जो बाकी एक्सरसाइज है वो भी मैंने सॉल्व करा रखे हैं। उन पर आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिला है और मैंने बाकी चैप्टर और उनके एक्सरसाइज भी सॉल्व करा रखे हैं, जिनके लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो इस एक्सरसाइज में टॉपिक चलेगा आपका रोलेस थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। इस पर एक क्वेश्चन बोर्ड पे आना गारंटेड है, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इनमें से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आएगा, गारंटेड। तो दो थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, रोलेस थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। वो दोनों थ्योरम क्या हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रोलेस थ्योरम की। मैंने लिख के रखा है बहुत ही सिंपल तरीके से, बुक से सिंपल लैंग्वेज में, कि देखिए आपके पास कोई फंक्शन होगा, ठीक, आपके पास कोई फंक्शन होगा जिसे कंटिन्यूस होना पड़ेगा किसी गिवन क्लोज इंटरवल में। सबसे पहले प्रायोरिटी है उसके, उसको होना पड़ेगा कंटिन्यूस, ठीक। फिर उसे होना पड़ेगा डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। ये दो कंडीशंस फुलफिल होने के बाद जो आपके इंटरवल दे रखे हैं ए और बी, उसमें क्या होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, तीसरी प्रायोरिटी भी ये होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसके अंतर्गत आपको ऐसा एक सी मिलेगा, यानी कि जब आप गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे एक बार और एक्स के प्लस पे सी रखोगे और इससे इक्वल टू करोगे जी के, जीरो के, जो सी आएगा वो सी आपका उस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर का होना चाहिए। आई बस में सपोज़ करो आपको इंटरवल दे रखा है 2.4 और आपका सी आ जाता है 2, तो 2 इस सेट के पास नहीं है तो ये फुलफिल नहीं होगा। अगर आपका सी आ जाता है, सपोज़ करो इसके बीच में क्या है 3, तो 3, 2 और 4 के बीच में, तो इस केस में हो जाएगा। और सारी केस फुलफिल होनी चाहिए, कोई भी एक केस मना होगा तो आपका रोलेस थ्योरम मना कर देगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा, सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये चीज़ तभी आपको समझ में आ पाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। तो ये तो बात रही रोलेस थ्योरम की, ठीक। देखो रोलेस और मीन वैल्यू थ्योरम में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट है वो दोनों में कॉमन है, कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल डिक्टो सेम है। अब हम बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम की। मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलते हैं, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, वो कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, साथ ही साथ उस वो डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक। ये दो कंडीशन दोनों में सेम है, ये होगी तो क्या होता है, इसमें एफ डैश सी डायरेक्ट निकालते हैं कि जो एफ डैश सी होगा वो किसके इक्वल होता है, फंक्शन बी इस पॉइंट पर माइनस फंक्शन ए इस पॉइंट पर अपॉन बी माइनस ए। तो जो इसको सॉल्व करके आपको सी मिलेगा वो सी इस इंटरवल के अंदर का होना चाहिए, तभी ये मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा। आई बस वन में जब तीनों कंडीशन फुलफिल होंगे तभी आपका सेटिस्फाइड होगा, अदरवाइज नहीं। कोई भी एक कंडीशन मना होता है तो आप बोलेंगे कि वो थ्योरम सेटिस्फाइड नहीं है, वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट बताने जा रहा हूँ जो कि आपके इस क्वेश्चन में हर जगह यूज़ होगा, हर जगह सबसे इम्पॉर्टेंट नोट। ये नोट आपके कैलकुलेशन को बहुत सिंपल कर देगा, बहुत आसान कर देगा, बहुत मस्त नोट है। एग्ज़ाम में अगर आप ये लिखते हो ना तो आपको कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल करने की दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमने अभी सीखा है ना प्रीवियस एक्सरसाइज में, कि एवरी पॉलीनोमियल, अगर कोई फंक्शन पॉलीनोमियल आप जानती हो, जैसे मैं बाय एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, ये एक पॉलीनोमियल फंक्शन है। अगर कभी भी कोई पॉलीनोमियल फंक्शन दिखता है आपको, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि एवरी पॉलीनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। दुनिया में जितने भी पॉइंट हैं ना आर में, जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट पर ये जो हमारा पॉलीनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस भी होते हैं एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी होते हैं। आई बस में इतना काम लिखोगे तो आपका ये दो स्टेटमेंट प्रूफ इस स्टेटमेंट से, तभी मैं बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इतना आपको आ गया होगा, इतना नोट कर लिया आपने, जब
चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.8 में, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को, डोंट वरी। तो आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में बोल रहे हैं वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। देखो फंक्शन को ध्यान से देखना है, कैसा फंक्शन है ये, पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और हमारे पास x किस कहाँ से आ रहा है, माइनस 4 2 से, यानी ये a हमारा माइनस 4 है और b हमारा 2 है। क्वेश्चन पढ़ के समझना ये ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन को एक नहीं दो बार पढ़ना चाहिए, ठीक। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कैसे लिखोगे आप, एग्जाम में वैसे ही लिख के मैं आपको सॉल्व कराऊँगा, सॉल्यूशन पे आ जाऊँ। सबसे पहले आप गिवन लिखोगे, गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन एफ एक्स, वो चीज़ हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 8, और जो इंटरवल है, इंटरवल हमारे पास बोला है एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो माइनस 4 2 से कर रहा है, यानी सिंपलाइज, यानी कि ए हमारे पास माइनस का 4 है और बी हमारे पास 2 है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ए हमारे पास माइनस का 4 हो गया, बी हमारे पास 2 हो गया। अब पॉलीनोमियल फंक्शन है, फंक्शन कैसा है, पॉलीनोमियल है, ठीक, ये चलो ठीक होगा। अब हम देखो, आपको रोल्स के लिए पूछा है तो रोल्स थ्योरम मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ। रोल्स थ्योरम में आपका एफ एस का स्टेप भी निकालना होता है तीसरे स्टेप में, और बाकी दो स्टेप भी करने होते हैं, कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफ्रेंशिएबल होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कैसे करना है। देखो पहले दो स्टेटमेंट आपके एक चीज़ में प्रूफ हो जाएगा कि ये फंक्शन कैसा है, पॉलीनोमियल है, तो आपके रीज़न क्या, देखो वी नो दैट द गिवन फंक्शन इज अ पॉलीनोमियल hence it is continuous in closed interval a, a की प्लेस पे कितने माइनस के 4, ठीक है, सॉरी माइनस के 4 2 एंड डिफ्रेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 4 2। तो आपका इस स्टेटमेंट में दोनों चीज़ प्रूफ हो गया, पहला कंटिन्यूस भी बता दिया आपने और दूसरा डिफरेंशिएबल भी बता दिया। अब आ जाओ तीसरे स्टेटमेंट में, ठीक है, क्या होता है, एफ ए बराबर एफ बी चाहिए होते हैं, सिंस एफ ए यानी कि एफ माइनस के 4, यानी एक्स के प्लस पर आपको क्या रखना है, माइनस के 4 रखना है, माइनस 4 का स्क्वायर 2 इंटू माइनस 4 माइनस का 8, एक्स के प्लस पर माइनस के 4 रखा है मैंने, सॉल्व करो 16 माइनस का 8 माइनस का 8, ठीक है, तो ये क्या आ गया 0। अब आप निकालोगे एफ बी, एफ बी बी पॉइंट हमारा क्या है 2 है, यानी कि 2, तो एक्स के प्लस पे क्या रखना है 2, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 माइनस क्या है 8, तो क्या देखो 4 2 टू 4 माइनस 8 यानी कि 8 माइनस 8 यानी कि 0, ठीक। देखो एफ ए भी हमारा 0 आ रहा है, एफ बी भी 0 आ रहा है, सिंस एफ ए इजकस टू एफ बी, तीसरी प्रायोरिटी भी हमारी सेटिस्फाइड हो रही है। देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड भी हो गया, अब सी पे आना है, सी निकालना है नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में सी निकालने की क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन होता है उसको हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है एक बार। नाउ पहले एफ डैश एक्स निकालो, यानी कि एक बार डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2। सिंस हमें क्या करना होता है, एफ डैश सी को क्या रखना होता है, 0 के इक्वल है कि नहीं, तो 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सी के प्लस बस एक्स के प्लस सी रख दो, यानी कि 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो 2x इक्वल टू माइनस के 2, यानी एक्स की वैल्यू माइनस के 2 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू माइनस के 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो माइनस 1 है, अगर नंबर लाइन खींचोगे तो नंबर लाइन में ये जो माइनस 1 है, माइनस 4 और 2 के बीच में ही आता है कि नहीं।
अगर आप नंबर लाइन खींचोगे, यहाँ पर सपोज करो 2 है, ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2, -3, -4, तो -1 कहाँ आ रहा है? इसके और इसके बीच में नहीं आ रहा है, आ रहा है ना? सिंस जो हमारा x लिखा है ना, x नहीं लिखना है आपको, c लिखना है, यानी c हमारा कितना है, -1, तो जो हमारा c है -1 वो बिलोंग कर जाएगा -4 इस इंटरवल में। तो आपके सारे प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, सिंस ऑल द पोस्टुलेट्स, आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर हेंस रूलेज थ्योरम इज एप्लीकेबल। क्लियर? आई बस में क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, एग्जामाइन इफ रोलेज थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोलेज थ्योरम फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब ये जो एग्जाम्पल्स हमें दे रखे हैं तीन, इनके बारे में हमें बात करनी है, रोलेज थ्योरम क्या एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। ओके ठीक है, तो सेकंड के फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। देखो सबसे पहला वाला जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन जो है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। कभी भी बड़े ब्रैकेट के अंदर कोई फंक्शन होता है ना, तो वो फंक्शन होता है किस, क्या आंसर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसकी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, डिटेल में समझा रखा है मैंने उस वीडियो में, ज़्यादा जानकारी के लिए। और इन्होंने बोला है जो x हमारा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, 5, 9 से आ रहा है, बिलोंग्स टू 5, 9, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं एक चीज़ आपको लिखवाना चाहता हूँ, नोट कर लेना। नोट क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए ऐसे लिखना, एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नीदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल। इन एनी इंटरवल। ठीक, ये चीज़ नोट करना, बहुत अच्छा नोट है, इसको याद रखना। किसका मतलब है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं वो ना तो कंटिन्यूस होते हैं और ना ही डिफरेंशिएबल होते हैं दुनिया के किसी भी इंटरवल में, चाहे कोई सा भी इंटरवल ले लो, कोई सा भी पॉइंट ले लो, ये कभी भी ना तो कंटिन्यूस होगा और ना ही डिफरेंशिएबल होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस नोट, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये ना तो कंटिन्यूस है ना ही डिफरेंशिएबल है। तो जो रोलेज थ्योरम की फर्स्ट टू स्टेटमेंट है वो इसको डिस्कार्ड कर रहा है, मना कर रहा है, और मना कर रहा है तो रोलेज का थ्योरम तो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा, है कि ना। तो ये लिख देना आप नोट, तो मैंने ऐसे लिखा है, आप वी नो दैट करके लिखना, वी नो दैट करके ये लिखने के बाद, हैंस दिस फंक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रोलेज थ्योरम। क्लियर? तो पहला वाला तो हमने कर लिया बड़े आराम से, अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में डिट तो वही चीज, सिर्फ इंटरवल चेंज किया है, बाकी फंक्शन तो वही है, इंटरवल चेंज कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी आपको बोला कि दुनिया के किसी भी इंटरवल पर, किसी भी पॉइंट पर ना तो कंटिन्यूस होता है ना डिफरेंशिएबल, सेम डिट यही लैंग्वेज आप लिख दोगे और इसे भी मना कर दोगे। क्लियर है? तो सेकंड पार्ट हो जाएगा आराम से। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पर। अच्छा, थर्ड पार्ट पर जब हम देख रहे हैं x square -1 है, सो क्लियरली इट इज़ एन पॉलीनोमियल। ये कैसा है, एक
पॉलीनोमियल फंक्शन है। ठीक है, पॉलीनोमियल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। और जो हमारा एक्स आ रहा है वो कहाँ से आ रहे हैं, इस इंटरवल से आ रहे हैं। चलो ए हमारे पास वन है, बी हमारे पास टू है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाओ, जैसे अभी हमने बोला था, देखो पॉलीनोमियल है तो कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशियबल भी होगा। चलो ये तो चलो हो रहा है, तो थर्ड प्रॉपर्टी हो रहा है सिंस करके लिखो एफ ए, ये निकाल के देखना चाहते हैं हम एफ ए। तो ए एक्स की जगह पे वन रखोगे तो वन का स्क्वायर माइनस वन, यानी वन माइनस वन यानी कि ज़ीरो। एंड एफ बी निकालोगे आप, यानी कि टू रखना है, टू का स्क्वायर माइनस वन यानी कि फोर माइनस वन यानी कि थ्री। क्लियरली ज़ीरो और तीन आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी। पहली दो प्रॉपर्टी हो जाएगी, पॉलीनोमियल है, कंटिन्यूस भी होगी और डिफरेंशियबल भी होगी, बट तीसरी प्रॉपर्टी को ये मना कर रहे हैं। तो आप रीज़न क्या दोगे, सिंस एफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ बी देयरफॉर, क्योंकि ये मना कर रहा है तो आगे का प्रोसेस करना ही नहीं है हमें। देयरफॉर रूलस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर है? ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। लेकिन आप इस चीज़ को करने से पहले जो स्टेटमेंट है ना कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल वाला, कि वी नो दैट द गिवन फंक्शन इज पॉलीनोमियल सो इट इज मस्ट बी कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशियबल, ये लाइन लिखने के बाद यहाँ से ये सब करना है। ठीक, ये चीज़ भी हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर थ्री में। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जो फंक्शन है हमारा इस इंटरवल से आर में जा रहा है। ठीक, ये हमारा क्लोज इंटरवल है, ये आर है, आर का मतलब होता है ओपन इंटरवल। इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन एंड एफ डैश डज नॉट वैनिश एनीवेयर। ठीक है, एफ डैश डज नॉट वैनिश एनीवेयर, ये आपका कीवर्ड हुआ, इसका मतलब मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। देन प्रूव दैट एफ माइनस फाइव इज नॉट इक्वल टू एफ फाइव। बहुत मस्त सा क्वेश्चन है। तो देखो हमें फंक्शन क्या दे रखे हैं, हमें फंक्शन दे रखे हैं कि ये क्लोज इंटरवल 5.5 से जा रहा है ओपन इंटरवल आर में। ठीक है, और बोला है इज़ अ डिफरेंशियबल फंक्शन। देखो डिफरेंशियबल बोला है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूस ज़रूर होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इज़ अ डिफरेंशियबल फंक्शन, ठीक है, तो डिफरेंशियबल फंक्शन है तो डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूस भी है, यानी कि रूल है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी को और सेकेंड प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहा है। लेकिन हमें तो ये शो करना है कि तीसरी प्रॉपर्टी को ये मना कर रहा है एफ ए नॉ, क्योंकि ए हमारे पास क्या है, हियर ए इज़ टू माइनस फाइव एंड बी इज़ टू फाइव, यानी कि एफ ए बराबर नहीं है बी के। ये हमें शो करना है किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। तो लिखेंगे जो जो लिखा हुआ उस हिसाब से हम बात करेंगे। हाँ, सिंस एफ माइनस कॉमा फाइव जो आर में जा रहा है इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन। ठीक है, एक प्रॉपर्टी दूसरी पहली हो गई, सो इट मस्ट बी कंटिन्यूस। ठीक है, ये दूसरी कंटिन्यूस वाली भी हो गई और डिफरेंशियबल भी हो गई। अब यहाँ पे आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या बोल रहा है, एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर, एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर। इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। ठीक है, अगर कभी भी ज़ीरो नहीं है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि एफ ए भी कभी भी बराबर नहीं होगा एफ बी के। और ए हमारे पास क्या है, माइनस के फाइव, बी हमारे पास क्या है, फाइव। प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड, यही तो प्रूफ करना था, हो गया बहुत आराम से। आया समझ में आपको? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना,
क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो, कमेंट करके आप ज़रूर बताना, अपने दोस्तों का ज़रूर शेयर करना प्लीज़, एंड नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर प्रेस कर लेना। आपको जो वीडियो चाहिए भी होगी वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हम रोले रोले पढ़ रहे थे, अब आ जाता है क्वेश्चन नेक्स्ट वाला, मीन वैल्यू थ्योरम। इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए कह रहे हैं वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ़ फंक्शन एक्स, देखो फंक्शन एक्स आपको क्या दे रखा है, पॉलीनोमियल, इंटरवल ए बी दे रखा है और ए के प्लस पे वन है और बी के प्लस पे फोर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो बढ़िया मतलब आसान है, ठीक है। गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन जो हमारे पास एफ एक्स हमें दे रखा है वो क्या है दे रखा है, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस के फोर एक्स माइनस के थ्री, एंड ए हमारे पास कितना है वन है एंड बी हमारे पास कितना है फोर है। अब मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करने के लिए बोला है तो आपको फंक्शन ए चाहिए होगा और फंक्शन बी चाहिए होगा, है ना, ये चीज़ चाहिए होगा, तो हम यहीं से निकाल के रखते हैं क्योंकि बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी। सिंस एफ ए यानी कि एक्स की जगह पर मुझे क्या रखना है, वन रखना है, वन का स्क्वायर फोर इंटू वन माइनस के थ्री, वन माइनस फोर माइनस थ्री यानी कि ये आ जाएगा माइनस के सिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना है एफ बी यानी कि एफ फोर, तो एक्स के प्लस पे फोर रखेंगे, फोर का स्क्वायर फोर इंटू फोर माइनस के थ्री, ठीक है ना, ये चीज़ आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, चचक को सोलह, सोलह माइनस थ्री, इससे ये कटा माइनस के थ्री, यानी एफ ए एफ बी हमने निकाल दिया जो हमें चाहिए होगा। अब जो जो गिवन फंक्शन हमें दे रखा है वो कैसा है, फंक्शन है, पॉलीनोमियल फंक्शन है। सिंस द गिवन फंक्शन इज अ पॉलीनोमियल, देयरफोर इट इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। ठीक, एक स्टेटमेंट में आपने दो बात रख दी जो ये आपको करनी थी, कंटिन्यूस भी होना चाहिए डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, दो स्टेटमेंट प्रूफ हो गए इस बात से, ठीक है। नाउ आपको एक बार डेरिवेटिव करना होता है एफ डस सी, मतलब जो गिवन फंक्शन है ना उसका आपको एक बार डेरिवेटिव चाहिए। आपका फंक्शन एक्स क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस की थ्री है, तो एक बार डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस फोर, तो हमें एफ डैश सी चाहिए होता है, एक्स की जगह पर सी रख देता टू सी माइनस फोर। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, नाउ देखो एफ डैश सी बराबर क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, है कि नहीं, तो एफ डस सी हमारा कितना आया है, टू सी माइनस फोर, एफ बी हमारा कितना आया था माइनस के थ्री, एफ ए हमारा कितना आया था माइनस के सिक्स, बी हमारे पास कितना है फोर एंड ए कितना है वन, सो टू सी माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री प्लस के सिक्स अपॉन थ्री, सो इधर बचेगा थ्री अपॉन थ्री, इधर तो वन यानी कि टू सी माइनस फोर, टू सी की वैल्यू फाइव माइनस फोर इधर प्लस हो गया, एंड सी की वैल्यू फाइव बाई टू विच मीन्स टू पॉइंट फाइव, एंड ये जो टू पॉइंट फाइव में क्लियरली सी इक्वल टू टू पॉइंट फाइव बिलोंग्स टू द इंटरवल वन कॉमा फोर के बीच में ही आता है, सो ये सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है ना, सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, है ना, सारी प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहे हैं। अब जब सारी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं तो आप बोल दोगे वही जो लिखते हैं, सिंस इट इज़ सेटिस्फाइड
all the postulates. Hence, mean value theorem is applicable. ठीक, ये भी हो गया क्वेश्चन हमारा डन. अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे. ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं. पांचवा प्रॉब्लम हो रहा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ़ एफ एक्स हमारे पास ये दे रखा है, इन द इंटरवल हमें दे रखा है ए हमें तीन है बी थ्री है, फाइंड ऑल सी फॉर विच एफ डस इक्वल टू ज़ीरो. ये क्वेश्चन है हमारे पास. तो हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो वही मीन वैल्यू थ्योरम का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के दे रखा था. चलो इसको भी हम सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है. क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें दे रखा है फंक्शन, गिवन करके लिखना एक्स क्यूब, ए हमें दे रखा है वन, बी दे रखा है थ्री. कैसा फंक्शन है? पॉलीनोमियल. तो आप वही रीजन लिखोगे सिंस द गिवन फंक्शन इज अ पॉलीनोमियल फंक्शन हेंस इट इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल. ठीक, तो ये कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी आपने दो प्रॉपर्टी ये स्टार्टिंग ही प्रूव कर दी है ऐसे लिख के. अब आपको मेन वैल्यू थ्योरम में आपको क्या चाहिए होता है? एफ ए एफ बी. नाउ एफ ए विच मीन्स एक्स की प्लस से वन रखना है. एफ वन किया जाएगा, देखो वन का क्यूब वन, फाइव इंटू वन का स्क्वायर यानी कि फाइव एंड थ्री. तो ये कितना आ गया? माइनस के आठ में से एक है माइनस के सेवन. फिर आपको एफ बी निकालना है यानी कि एफ थ्री. एक्स की प्लस पे क्या रखना है? थ्री रखना है. थ्री का क्यूब तीन तीन नौ तीन सत्ताईस, यहाँ पर रखेंगे थ्री का स्क्वायर नौ पंजे पैंतालीस, और यहाँ पर थ्री इंटू थ्री माइनस के नाइन. सो ये कितना आ जाएगा आपका सॉल्व करोगे तो? सत्ताईस है और ये माइनस के 27 आ जाएगा. ठीक है, जब इसमें से इसको जोड़ के कटाओगे तो माइनस के 27 आ गया. अब एफ एक्स एफ डैश सी निकालना होता है ना, तो एफ एक्स हमारे पास क्या है? एफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस के थ्री एक्स, और इसका एक बार डेरिवेटिव करना होता है. एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? थ्री एक्स स्क्वायर टेन एक्स माइनस के थ्री. एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया? डेरिवेटिव. ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है? नेक्स्ट स्टेप में नाउ एफ डस सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. ये होता है एफ डस सी. क्या है देखो, एक्स के प्लस पे सी रखना है आपको, तो थ्री सी स्क्वायर माइनस टेन सी माइनस थ्री. एफ बी कितना है हमारे पास? माइनस के 27. एफ ए कितना हमारे पास? माइनस के सेवन में यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. अपॉन बी कितना है हमारे पास? थ्री. ए कितना है? वन. यह आ जाएगा माइनस के 20 अपॉन टू यानी कि 10 माइनस का. गुणा करने पे 7 आया और जोड़ने पे 10 ना, 3 सात 21, गुणा करने पे 21 आया और जोड़ने पे 10 कितना होता है? 7 तियाँ तो 7c माइनस 3c. गुणनखंड करना तो आपको आता ही होगा, इसमें से क्या कॉमन आएगा? सिर्फ ओनली c. तो यहाँ से 3c माइनस के 7
यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 3 सी, बाहर माइनस से तो चिन्ह बदल जाएगा, अंदर तो ये सी माइनस 1 और यह जाएगा 3 सी माइनस 7। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या आ रही है देखो, सी इसको रखोगे 0 के इक्वल तो सी की वैल्यू आ जाएगी 1, इसको रखोगे 0 के इक्वल तो सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस की तरह के प्लस या अपॉन में 7/3। तो देखो सी की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, मैंने स्टार्टिंग पे ही आपको बता दिया था, क्योंकि हमारे पास ए कितना है 1, तो सी इक्वल टू 1 के लिए रोल्स का थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और 7/3 का मतलब होता है 2 point something, जो कि 1 और 3 के बीच में ही आता है। फॉर सी इज़ टू 7/3 बिलोंग्स टू कर जाएगा हमारे पास किस इंटरवल में, 1 और 3 के बीच में, तो ये आपका ट्रू आंसर दे देगा सी के लिए, इस सी के लिए एप्लीकेबल होगा, इसके लिए नहीं होगा। आई बस समझ में, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, लास्ट प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एग्जामाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शन गिवन इन द अबव एक्सरसाइज 2। अब ये जो एक्सरसाइज 2 दे रखा है, इस 2 में जितने भी प्रॉब्लम दे रखे हैं इनके लिए, अब जैसे हमने रोल्स के लिए बात की थी, सब इनके लिए मीन वैल्यू के लिए बात करना है। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, पहला फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जैसे उसमें बताया था कंटिन्यूस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो पहली तो प्रॉपर्टी तो दोनों में सेम है, तो ये तो मीन वैल्यू के लिए मना कर देगा, ये भी मीन वैल्यू के लिए मना कर देगा। रीज़न क्या होगा, क्योंकि दोनों ही फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जैसे वहाँ पर रीज़न दिया था ना, वैसे यहाँ पर भी लिख देना है, मना कर दोगे। तीसरा फंक्शन के लिए हम कर लेते हैं, ठीक है, तीसरा फंक्शन फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल है, तो वही रीज़न आप दोबारा लिखोगे, क्योंकि बार बार सेम लैंग्वेज लिख रहे हैं हम, तो आप क्या लिखोगे, द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल हेंस इट इज कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। क्लियर, उसके बाद आपको क्या करना होता है, एक बार डिफरेंशिएट, तो ये आ जाएगा 2x-1 का क्या हो जाएगा 0, यानी कि ओनली 2x f(x). फिर आपको fa निकालना होता है, यानी कि f1, x के प्लस 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 0, fb निकालना होता है, यानी कि f2, 2 का स्क्वायर 1 यानी कि 4 में से क्या 3। ठीक है, देयरफॉर f'c क्या होता है, fb माइनस fa अपॉन बी माइनस ए। f'c कितना है हमारे पास, 2c हो जाएगा, यहाँ से x के प्लस पे c रख देंगे, fb कितना है 3 माइनस 0 एंड यहाँ से 2 माइनस 1, तो 2c की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, यानी कि c की वैल्यू हो जाएगी 3/2 to the 4। तो 3/4 होता है वो पॉइंट समथिंग होता है, यानी कि इनके बीच में आ जाएगा, ठीक, इनके बीच में आएगा या नहीं आएगा वो बताइए आप, 3/2 आया है, सॉरी हमसे गलती हो गई, 2 माइनस 1 यानी कि 1 ही रहेगा, यानी कि 3 है, तो यहाँ से 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, और जो 1.5 होता है वो 1 और 2 के बीच में आता है, सो इट्स इम्प्लाइज सी जो है वो आपका 1 और 2 के बीच में लाई कर जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, सिंस ऑल द पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड हैंस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। आई होप ये पूरा एक्सरसाइज आपको समझ में ज़रूर आया होगा, मैंने बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपको ये चीज़ समझाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, बुरी लगी हो तो डिसलाइक करना, कोई बात नहीं।